हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेपाइस। एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? जल्दी से बता दो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो विजय, हेलो अंजलि, सुनीता, सुरेश चंद्र जाट, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एक बार बता दो, क्लियर है ना? फिर स्टार्ट करते हैं, तब तक और लोग भी आ जाएंगे। सो टेल मी, कैसी चल रही है प्रिपरेशन आप लोगों की? प्रीलिम्स आने वाला है। एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ओके विजय, चलो चलो, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, वीकली करंट अफेयर एमसीक्यूज कर रहे हैं। पर्पस क्या है, करंट अफेयर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है? और इसी पैटर्न से यूपीएससी भी आपसे क्वेश्चंस पूछती हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या है, 2022 प्रीलिम्स को क्लियर करना है, ठीक है? तो उसके लिए ये करंट अफेयर वीकली सीरीज है। और इसमें बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। देखो सबसे पहला क्या है, देखो जो भी क्वेश्चन आपके सामने होगा उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पे मैं आपको 40 सेकंड्स दे रहा हूँ, ये सफिशियंट टाइम है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है? आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ठीक है? तो 40 सेकंड्स का टाइम आपको मिलेगा, टाइमर मैं ऑन कर दूंगा। उसके बाद जो भी आपका आंसर है आपको चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताना होगा। कैसे बताओगे? सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, मान लो क्वेश्चन नंबर 5, और उसका जो भी ऑप्शन है ए बी सी या डी, तो इस तरह से आपको जो है आंसर सबमिट करना है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? एंड उसके बाद जब सेशन एंड होगा तब आपको अप्रोक्सीमेटली मुझे बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको करनी होगी। और इस सीरीज में हमने क्या एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हर वीक में एक बार हम इन सेशंस के थ्रू 5 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? और फिर उनकी मेंटरशिप कॉल्स होंगी, ठीक है? 1-to-1 मेंटरशिप, मैं या फिर सिद्धार्थ सर, दोनों में से कोई भी उनसे बात करेंगे, और उनके जो भी इश्यू होंगे प्रिपरेशन को लेके या कोई भी, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये इंस्ट्रक्शन है, एक तो 40 सेकेंड का टाइम होगा और दूसरा आपको आंसर जो है वो सबमिट करने होंगे। अब देखिए, काफ़ी लोग डाउट पूछते हैं, तो शुरुआत में स्पेसिफिक डाउट पूछना, ठीक है, इस करंट अफेयर क्विज को लेके। उसके बाद अगर आपके कोई दूसरे भी डाउट होंगे तो मैं कोशिश करूंगा उनको लेने की, अगर टाइम परमिट करता है तो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। तो अब स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, चलो। तो एक बार मुझे बता दो, स्टार्ट करें। हेलो नितिन, जानवी, कुश, सीमा, आयुष, शुवरदीप, तो काफ़ी लोग आ गए हैं। चलिए तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आपका टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आपको 40 सेकंड्स में दे रहा हूँ। और देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, 2 बार पढ़ो, ठीक है? जल्दबाजी में मैं आंसर मत देना, ठीक है? आराम से सोचो समझो, उसके बाद आपको आंसर करना है। शाफिया, आपको इसी चैट में टाइप करना होगा, ठीक है? वही हो जाएगा सबमिशन, ठीक है? चलो टाइम अप हो गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 10 सेकंड्स का, जल्दी से करो इसको। चलो
ठीक है, तो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। एंड तस्वीर सिंह, बी फॉर बॉम्बे, ओके, कुश, सी फॉर कैलकटा, डी फॉर दिल्ली। तो काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है, एंड मेजोरिटी जो है वो, चलो अभी तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे मेजोरिटी क्या बोल रही है। चलो तो देखो, ये जो एमसीक्यू सेशन है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि एक तो मैं आपको वो सारी ट्रिक्स बता दूं जो एक कैंडिडेट यूज़ करता है, ठीक है। नंबर वन पॉइंट, नॉलेज तो खैर है ही सही, इसके अलावा यूपीएससी किस तरह से प्ले करती है, तो ये भी मेरा आपको बताने का पर्पज है, ठीक है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, बट उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। हमें क्या सीखना है कि किस तरह से यूपीएससी की जो ट्रिक्स हैं उनको हमको समझना है, यूपीएससी कैसे प्ले करती है उसको हम समझ जाएं, उसके बाद तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो ये मेरा पर्पज़ है नॉलेज के अलावा। और यहाँ पे देखो काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड बी फॉर बॉम्बे एंड डी फॉर दिल्ली, ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। चलो ठीक है, एंड पीयूष ने कहा है सी, सीमा ने कहा है सी, सी फॉर कैलकटा, तो मैं बता दूं कुश ने भी कहा है सी फॉर कैलकटा, तो भाई सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, टू ओनली, ये इसका सही आंसर है। अब देखो करना क्या है, अब पहला स्टेटमेंट क्या है कि पोर्ट्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड एड मेजर एंड माइनर पोर्ट्स, ये तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता होगी कि दो तरह के पोर्ट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, एज डिफाइंड अंडर द इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1915, ठीक है। तो होगा क्या, आपने क्वेश्चन पढ़ा, सब सही है सही है, आप इसको टिक मार दोगे कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या किया है, ये ईयर गलत कर दिया है, ठीक है, ये 1908 होता है, ठीक है, तो इस वजह से जो पहला स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा, क्योंकि ईयर जो है वो चेंज कर दिया, तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए। सेकंड क्या है कि ऑल द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो एकदम सही बात है, जो माइनर होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है, तो ये तो सही है। देन द माइनर पोर्ट इज ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो यहीं पर नॉलेज मैटर करती है, देखिए स्टेट लिस्ट में नहीं होता है बल्कि कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, टू ओनली, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, काफ़ी कम लोगों ने ये जवाब दिया था, ठीक है, पीयूष ने दिया था, सीमा ने दिया था, ठीक है, चलिए बढ़े आगे, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। और देखो ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए परेशान मत होना, ठीक है, अभी फोकस करो क्वेश्चंस के ऊपर और कोशिश करो उनको सॉल्व करने की, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। अच्छा कितने लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया है कोई बताएगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके ओके ठीक है, लर्निंग मैथमेटिक्स नितिन, ठीक है कृतिका, ओके चलो टाइम खत्म हो गया, आंसर बताओ इसका जल्दी से। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और यहाँ पे तस्वीर ने कहा है बी फॉर बॉम्बे, 2, 3 एंड 4, ओके नितिन, नो आइडिया, ओके। विजय चौधरी ने कहा है सी फॉर कैलकटा, ठीक है, अंजलि ने भी सी कहा है, सी फॉर कैलकटा, ओके। चलो तो देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की, तो उनपे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अराउंड 50+ पर्सनैलिटीज हैं हमारे चैनल पे, वो वीडियो अवेलेबल है, अगर किसी को देखना हो तो आप देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है, एकदम टू द पॉइंट वहाँ पे मैंने बताया है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है,
उनसे जुड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे क्वेश्चन बन सकता है वो सब मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मदन मोहन मालवीय, चार स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला क्या है कि मेजर रोल इन एंडिंग द इंडियन इंडेंचर सिस्टम, पता है सिस्टम क्या होता था, गिर मिटिया सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से जो लेबर होती थी उसको लेके जाया जाता था दूसरी कॉलोनीज में प्लांटेशन वर्क के लिए, ठीक है। तो उसमें इन्होंने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। देन देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, कंपेल द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू साइन अविरल गंगा रक्षा समझौता। देखो इसका पर्पज़ क्या था कि हरिद्वार में जो गंगा है उसका फ्लो मेंटेन रहे, बना रहे, इसके लिए ये समझौता होता है। ये एकदम सही बात है, ये समझौता हुआ था, लेकिन अगेन ये 1916 में हुआ था, 18 में नहीं हुआ था, ठीक है। इसको एग्रीमेंट ऑफ 1916 भी कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो दोनों हैं 3 और 4 वो सही हैं, ठीक है। तो 1, 3 और 4 ये एकदम सही है, आप इसको टिक मार दो, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगेन विजय चौधरी अंजलि के अलावा सभी लोगों ने गलत बताया है, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी है ना, ये सही जवाब इसका हो जाएगा, और इसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, गंगा महासभा 1905, ठीक है भाई। हो क्या रहा था, गंगा पे बहुत सारे डैम्स वगैरह बन रहे थे तो उससे फ्लो वगैरह इम्पीड होता, इसकी वजह से इन्होंने काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लिए थे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको करिए। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का तो सभी लोग सही जवाब देंगे, ठीक है, सही जवाब देंगे, आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। विकास ने कहा है दीनदयाल उपाध्याय, अरे भाई विकास थोड़ा देख के, थर्ड का सी दीनदयाल उपाध्याय, अरे थोड़ा पढ़ तो लो ऑप्शंस उसके बाद बताओ। सुधांशु ने कहा है बी फॉर बॉम्बे, चौधरी चरण सिंह, ओके। डॉक्टर नाज ने भी यही कहा है, और एक बार देख लेते हैं। किसान दिवस इज ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट इज बर्थ एनिवर्सरी, तो ऐसा बंदा होगा जिसने किसानों के लिए काफी कुछ किया होगा, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफी कुछ किया होगा, ठीक है। तो पहली बात तो दीनदयाल उपाध्याय, ये आपने कैसे इसको चूज किया मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ही इज ऑल्सो रेफर्ड टू ए चैंपियन ऑफ इंडिया पीजेंट्स, क्यों, क्योंकि उनका अपलिफ्टमेंट किया था, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे, वो आपके सामने भी हैं, ठीक है। लैंड होल्डिंग एक्ट हो गया, ठीक है, रिडेम्पशन बिल वगैरह हो गया, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यस पीयूष रौनक नितिन एकदम सही बात है, यहाँ पे बात हो रही है चौधरी चरण सिंह की, जो कि इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, फिफ्थ पीएम थे इंडिया के, फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर, कब से कब तक, 79 से लेके 80 तक, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स वाला इशू बहुत चल रहा है न्यूज़ में, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए आपको 10 सेकेंड ही मिलने चाहिए, बट मैं फिर भी 40 दे रहा हूँ, जल्दी से करो इसको। नो इश्यूज विजय, देखो मिस्टेक यहाँ पे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो रियल एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आयुष ने कहा है जम्मू कश्मीर, अब मीनल ने कहा है मेघालय, ओके। एसरा खान ए, मृणल ए, तो तस्वीर सिंह ने भी ए कहा है,
नितिन ने भी एक है, तो चलो इन सब की बात मान लेते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये लेक क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि इसके रिवाइवल के एफर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, वेटलैंड की भी बात हो रही है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। और इससे जुड़ी खास बात क्या है कि ये यूट्रोपिक लेक है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, डीओ कम हो जाएगी। ये सब आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। और ये कहाँ पर है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और मैं देख पा रहा हूँ कि अंजलि, सुनीता, डॉक्टर नाज, साफिया, सीमा, शुक्ला, आदर्श, मैक्सिमम लोगों ने इसका ऑप्शन सही मारा है, तो वेरी गुड। चलो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इसको निगिन लेक जो है ना, इसको नगीना के नाम से भी जाना जाता है। नगीना क्यों? क्योंकि इसके आसपास देखोगे तो विलो एंड पॉपुलर ट्रीज वहाँ पे मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये नगीने की तरह दिखती है। ज्वेल इन द रिंग, ये भी इसका एक दूसरा नाम है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसको करो। हाँ अब मुझे शो कर रहा है, ठीक है, कि कितने लोग लाइव है ना, अब मुझे शो कर रहा है, थोड़ी देर के बाद शो करता है। अच्छा मोनू जैन ने भी ए कहा था, चलो गुड। जल्दी से बताओ, मिशन सागर कोविड के टाइम पे बहुत सारी हेल्प हमने पहुंचाई थी इस मिशन के थ्रू, ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनको असिस्ट किया गया था, ये पूछा गया है। 5 कंट्रीज हैं, मालदीव्स है, मेडागास्कर है, सेचिली है, कॉमरोस है, मॉरिशस है, ठीक है, बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज थी मिशन 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 सागर को लेके। एंड यहाँ पे, अरे वाह, सभी लोगों ने बोला है एक ही बार में, डी फॉर दिल्ली ऑल, तो ये एकदम सही बात है, ये सारी कंट्रीज इसमें शामिल थी जो हमारे इलेक्टोरल स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था कोविड के टाइम पे, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करवानी थी इसलिए, ठीक है। तो मालदीव्स, मेडागास्कर, सेचिली, कॉमरोस एंड मॉरिशस, ये सभी एकदम सही आंसर है। अदिति मिश्रा प्लीज़ एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है, ए इसका सही जवाब नहीं होगा, डी फॉर दिल्ली ऑल, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, और काफ़ी लोगों ने सही दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करो इसको। टाइम अप हो गया, जल्दी से बताओ इसका आंसर। फैमिली मैन सीजन 2, श्रीलंकन सिविल वॉर। तो यहाँ पे आयुष ने कहा है डी फॉर दिल्ली, विजय चौधरी ने भी डी फॉर दिल्ली कहा है, ओके, तो ये 87 में साइन हुआ था क्या ये अकॉर्ड? तो मैं देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर नाज, रौनक, कृतिका, विकास, ठीक है, विजय, तस्वीर, सभी लोगों ने डी फॉर दिल्ली बोला है, आयुष, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी ही है, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। देखो राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे इसको साइन किया गया था, पर्पस क्या था कि जो श्रीलंकन फोर्सेज हैं वो विड्रॉ कर जाएं नॉर्थ वाले एरिया से, ठीक है, ये सब इसका पर्पस था, ये सिविल वॉर को एंड करना था, और जो तमिल रिबेल्स थे वो डिसआर्म हो जाएं, ये इसका पर्पस था। इसके लिए ये जो एग्रीमेंट था, अकॉर्ड था, ये साइन हुआ था 1987 में, ठीक है, और इसमें जो इंडिया था वो पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पे रखेगा, ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट है ये सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये PDF आपके पास अवेलेबल रहने वाली है। चलो ये सुनीता, 89 मीन्स नितिन, नहीं 87 ही था, ठीक है, 89 नहीं था। चलो
क्वेश्चन नंबर सेवन, क्लाइमेट चेंज। देखो रौनक ने तो डेट ही बता दी, अडेप्टेशन फंड के बारे में है, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखो हमेशा देखना कि पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, बहुत लोग इसमें गलत कर देते हैं। चलिए टाइम खत्म हो गया, जल्दी से बताओ इसका आंसर। शंकर आईएएस में दिया होगा ये, अगर किसी ने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप सही जवाब दे पाओगे। और मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टेज पे आके ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो इट मीन्स आपको एकदम रिवाइज करना है चीज़ों को। तो मीनल, मुकेश, कल्पना, मैथमेटिक्स, लर्निंग मैथमेटिक्स, आपका नाम क्या है भाई, रियल नाम? विजय चौधरी आपने ए कहा है, ओके। और मैं देख पा रहा हूँ कि सी, मैक्सिमम लोगों ने सी कहा है, नितिन ने भी सी कहा है, चलो तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अडेप्टेशन फंड, इसमें बेसिकली फंड दिया जाएगा किसको, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे फंड्स दिए जाएंगे, ताकि जो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको आप जो है इसको आप कम कर पाओ, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस किया जाता है, उसका ट्रस्टी कौन है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, बोथ वन एंड टू, ठीक है, बोथ बोथ वन एंड टू, ओके। मोनू जैन आपका भी सही है, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर एट, इसको लगाओ। सर प्रीवियस सेशन पीडीएफ नहीं मिली, ओके ऐसा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं बोल दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये अभी काफी न्यूज में था ना, यूपी, यूपी को सबसे बॉटम पे दिखाया था, ठीक है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, मिनल ने कहा है डी फॉर दिल्ली ऑल। अच्छा देखो ऐसा भी नहीं है कि ऑल देख के आपको ऑल मार देना है, ठीक है, इसमें भी यूपीएससी प्ले कर लेता है, बहुत सी बार ऑल गलत होता है ना। यस शुक्ला, केरला टॉप पे था, एकदम करेक्ट। और मैं देख पा रहा हूं यहां पे सभी लोगों ने डी कहा है, तो देखो एकदम सही बात है, ठीक है, डी फॉर दिल्ली एकदम सही है। देखो नीति आयोग इसको रिलीज करता है, अभी रिसेंटली इसका जो फोर्थ एडिशन था 1920 का वो रिलीज हुआ था, ठीक है। और अभी यूपी में इलेक्शन भी हैं तो काफ़ी हॉट टॉपिक बना था बीच में, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, बेसिकली जो स्टेट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, साइज एक लार्जर स्मॉलर एक यूटी, तीन कैटेगरी है, ठीक है, बिगर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटी, और फिर उनको रैंक किया जाता है। फिर बाद में बताया गया था कि इंक्रीमेंटल जो चेंज सबसे ज़्यादा हुआ है वो यूपी में हुआ है, बाद में स्टेटमेंट देना पड़ा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है, डी फॉर दिल्ली, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, जल्दी से करो इसको। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चिल्लई कलान, ठीक है, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अगर कोई इस एरिया का है तो मुझे बताना कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। वैसे चिल्लई कला होगा ये मेरे ख्याल से, तो रौनक ने कहा है ए, ओके, सबसे पहले जवाब दिया रौनक ने, चलो देखते हैं। नितिन ने कहा है बी फॉर बॉम्बे, ओके। कल्पना, विजय ने स्किप मार दिया, चलो
कल्पना ने कहा है ए, और आंसर आने दो। अच्छा देखो, सबसे पहली बात, यहां पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो कुछ लोगों का तो वैसे ही गलत हो गया होगा, उन्होंने करेक्ट बता दिया होगा। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग और इनकरेक्ट। चलो तो भाई देखो, ये जो चिल्लई कला जो होता है ना, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में होता है, उत्तराखंड में नहीं होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में। 40 डेज का ये पीरियड है, एकदम एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पे होगा। ये पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 21 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा 31 जैन तक, ठीक है। तो ये होता है 40 डेज का पीरियड, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड सही है, इट इज फॉलोड बाय चिल्लई खुर देन चिल्लई बच्चा, ठीक है। उसके बाद 20 डेज का पीरियड और होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 10 डेज का पीरियड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चिल्लई खुर देन चिल्लई बच्चा, ये एकदम सही है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, और यही तो पूछा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वन ओनली, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस नितिन, आपने करेक्ट मार्क किया ना, बिल्कुल। तो देखो, आपको पढ़ना पड़ेगा सही से कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और यही सिली मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपने 2-3 सिली मिस्टेक्स कर दी तो आप बाहर हो जाओगे, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलो साफिया, ये चल रहा है आज यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साफिया मीन्स आप वहीं से बिलोंग करते हो, जम्मू कश्मीर से, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ गलत मत करना। हाँ नितिन, मैंने देखा, तो देखो अब आगे से ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है। यस विजय, एकदम सही बात है। और देखो, आपको ये सेशंस अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो आयुष ने कहा है डी, आयुष आज सब में डी ही लगा रहा है। चलो, सुधांशु है, कल्पना है, विजय, तस्वीर। देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और देखो मैं आपको बताऊं ये आसान क्वेश्चन क्यों डाला था। अगर ये क्वेश्चन भी कोई गलत करता है तो फिर उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं प्रीलिम्स को क्लियर करने में, क्योंकि 99.99% लोग जो हैं इस क्वेश्चन को सही करेंगे। इतना आसान क्वेश्चन है, न्यूज़ में है ऑकस, ठीक है, पता है कि अलायंस है ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसए के बीच में, ठीक है, क्यों इंडो पैसिफिक में जो है अपना डोमिनेंस करना है, चाइना को काउंटर करना है, ठीक है। तो ये तीनों ही जो चारों स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है ऑल, ठीक है। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, अगर गलत हो गया तो आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि भाई टफ क्वेश्चन में फिर भी डाउट होता है, कुछ सही करेंगे कुछ गलत करेंगे, बट ये आसान क्वेश्चंस हैं, इनको गलत नहीं करना है, ओके। तो कृतिका, आपने बी फॉर बॉम्बे कहा है, देखिए ऐसा मत करो। नितिन, आपने बी फॉर बॉम्बे बोला है ना, तो जिनका गलत हुआ है वो प्लीज रिवाइज करो करंट अफेयर्स को, है ना, प्लीज रिवाइज करो। चलो 11 करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। अपातनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका आंसर। 11 का सी, 2, 3 एंड 4 किसने बोला ये? कुश मिश्रा ने, मुकेश, आयुष, पीयूष ने स्किप कर दिया। अरे रे 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 रे, ये तो स्किप वाला क्वेश्चन नहीं था पीयूष, इसको करना चाहिए था आपको। नितिन, ये स्किप वाला क्वेश्चन नहीं है, ये करना चाहिए था। विजय चौधरी ने मारा तुक्का और ये हो गया गलत, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना,
करंट अफेयर, तो आपको ये पता होगा कि जो अपातनी ट्राइब है ये नागालैंड की ट्राइब नहीं है, ये कहाँ की है, ये है अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो जैसे ही ये गलत हो जाएगा ना, उसके बाद बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, ठीक है। ये इसमें वीवर्स होते हैं, इनका ट्रेडिशनल हैंडलूम है जिसको क्या बोलते हैं, चिलचिन। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, बट ये चारों जो स्टेट, ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये एकदम सही है, ठीक है। और ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में था, जीआई टैग की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो 2, 3 एंड 4 ये अच्छे से याद कर लो। अपातनी ट्राइब ये कहाँ की ट्राइब है, अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की ट्राइब ये नहीं है, ठीक है। चलो, यस मुकेश यू आर राइट, आप एकदम सही हो, ठीक है। यस डॉक्टर नाज, तो काफ़ी लोगों ने सही किया है, कुछ ने गलत भी किया है, साफिया ने, कल्पना ने, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आगे से ऐसी गलतियां मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन क्लाइमेट चेंज, डीजल पेट्रोल, तो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, ठीक है। इस पे दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको जवाब देना होगा। आयुष 12D 60%, ये 60% क्या है, सही होने के चांसेस हाँ तो काफी वेरिएशन दिख रहा है मुझे, ठीक है। ए बी सी डी चारों ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन मैं बता दूं कि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो जो चीज़ गलत है वो आपको बतानी है, ठीक है, जो चीज़ गलत है। अब देखो ये अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि क्यों ये न्यूज़ में था, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने एडवाइस किया था जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं कि भाई इनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, ठीक है। क्यों, ताकि जो अपना इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाए, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना है, फार्मर्स को इनकम को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए ये एडवाइजरी गई थी। और देखो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, नाम से लग रहा है कि जो फ्यूल होगा उसमें उसका फ्लेक्सिबल आप उसको यूज़ कर सकते हो, इसमें आप एथेनॉल यूज़ कर सकते हो, पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, तो फिर ये इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल मोड्स पे भी चल सकती है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पूछा क्या गया, इनकरेक्ट, तो नन, ठीक है, डी फॉर दिल्ली, नन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 12 का जिसने भी डी बताया उसका सही हो जाएगा। नितिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यही स्टेटमेंट है, अगर आप देखोगे इसको सर्च करना यही स्टेटमेंट आया था, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिकली ये पूरा नाम ही है, ठीक है, ये पूरा नाम ही है इसका, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो FFVSHEV, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से इसको लगा लो। अब देखो ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अगेन मैं कह रहा हूं, ओके डॉक्टर नाज, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, रिवाइज करो कंटेंट को, गलतियां नहीं होगी। तो आयुष मीनल ने कहा है सी, ओके, लर्निंग मैथमेटिक्स, सलाम
सलाम ने कहा है डी फॉर दिल्ली, 2 एंड 3। ओके ठीक अंजलि ने भी कहा है डी फॉर दिल्ली। ओके और थोड़ा वेट करते हैं, सुधांशु ने भी कहा है डी फॉर दिल्ली। ओके अगेन थोड़ा सा और वेट करते हैं, अच्छा देखो इसका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसमें क्या लिखा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड एडवांस इंडिजिनस मिसाइल कैपेबिलिटी। देखो ये तो वैसे गलत हो गया ना, उस समय कहाँ कुछ था हमारे पास। ठीक है तो जैसे आप इसको गलत करते हो तो आप देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो ना, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया और आंसर आपके सामने है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है, सी फॉर कैलकटा। इसलिए मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए यही होता है बहुत सी बार, क्वेश्चन इतना टफ होता है हमें पता ही नहीं उसके बारे में, बट एक आध ऑप्शन ऐसा होगा जो एकदम ही गलत होता है, ठीक है जो आप कॉमन सेंस से उसको एलिमिनेट कर सकते हो और जैसे करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है जो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे पास रॉकेट्स यूज होते थे, आपने टीपू सुल्तान हैदर अली इनका नाम सुना होगा, ठीक है तो ये पहला भी सही है, थर्ड भी सही है, प्रोजेक्ट डेविल वगैरह। ठीक है तो सी इज द करेक्ट आंसर। सर टुडे आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, कोई इशू नहीं कृतिका, इशू क्या है वो देखो कंटेंट का इशू है क्या, तो रिवाइज करो चीज़ों को, डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है। चलो आगे बढ़ो, पर वो वायरस इज ए हाईली कॉन्टेजियस वायरस मेनली अफेक्टिंग, यस आयुष टीपू सुल्तान हैदर अली, जल्दी से बताओ। तो इसमें तो सबने ही बी फॉर बॉम्बे कहा है, एकदम सही है डॉक्स। ठीक है महाराष्ट्र अमरावती अराउंड 2000 डॉक्स जो है वो इन्फेक्टेड हुए थे, ठीक है अमरावती में, ठीक है ये न्यूज़ में, ये न्यूज़ का आइटम था। ठीक है तो डॉक्स को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है लाइफ थ्रेटनिंग एक वायरस है। ठीक है तो बी इज द करेक्ट आंसर। यश मीनल मुकेश और सभी लोगों का सही है, डॉक्टर नाज तस्वीर अंजलि वगैरह। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से बताओ इसका आंसर। जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो सी या फिर डी, बोथ या फिर नन। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। इतना वेरिएशन कैसे आ रहा है, सुधांशु ने कहा है ए। चलो तो भाई देखो अगेन अगेन देखना कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा है अगेन कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो उसी हिसाब से आपका आंसर भी होना चाहिए। देखो पहला क्या है कि एवरी यूटी इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम, ये तो एकदम सही, ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है, ऐसा होता भी है, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, प्रेसिडेंट उसको एडमिनिस्टर करते हैं वही उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है
मुकेश कुमार नॉट प्रेसिडेंट, इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूटी इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ स्टेट लाइक ए गवर्नर। देखो यही बात है, एजेंट तो होते हैं वो, सही बात है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट नहीं होते हैं। गवर्नर के पास तो बहुत सारी पावर्स होती हैं, जबकि वो यूटी में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो जो इसका सेकेंड जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है, ठीक है, और इनकरेक्ट ही तो पूछा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, टू ओनली। तो अदिति ने बी फॉर बॉम्बे कहा है, पीयूष, साफिया, ठीक है, तो इस तरह की गलतियां मत करना, ओके, इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से लगाओ इसको, ये तो ऐसे ही हो जाना चाहिए। मिंस्क टू पीस प्रोसेस एसोसिएटेड विद द डिस्प्यूट बिटवीन, किसके बीच में डिस्प्यूट है, नितिन, कल्पना, आयुष, वेरी गुड, गुड इवनिंग रितु, चलो। तो डी फॉर दिल्ली सभी लोग कह रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है, रशिया यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उसके लिए इसको, ये पीस प्रोसेस जो है ये काफ़ी न्यूज में था, रशिया यूक्रेन, ठीक है, तो मिंस्क टू पीस प्रोसेस, ओके। डॉक्टर नाज, नितिन, अदिति, मुकेश, चलो वेरी गुड यार, वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली ये रशिया रहा, ये वाला पूरा डिस्प्यूटेड वाला एरिया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कवरी ऑफ मी डिस्कवरी, क्वेश्चन नंबर 17, एक टेम्पल है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे देखो ईयर भी दिया हुआ है, तो अगेन वेरी कंफ्यूजिंग, बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ऑप्शन वैसे है नहीं, 13th century में इसको बनाया था किंग नरसिम्हा देव वन ने, ठीक है, इसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। और देखो यार, ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, मुझे बड़ा दुख होगा अगर ये आप में से किसी ने गलत किया तो। चलो, तो बेसिकली किसी ने मुझे परेशान नहीं किया, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, सी फॉर कैलकटा, कोनार्क सन टेम्पल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये तो हो गया ब्लैक पैगोडा, ठीक है, वाइट पैगोडा किसको बोलते हैं उड़ीसा में, एक तो मुझे ये बताओ आप लोग, और मुझे ये भी बताओ कि ये जो किंग थे नरसिम्हा देवा वन, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो वाइट पैगोडा मुझे बताओ, और जो डायनेस्टी है वो भी मुझे बताओ। वैसे ये सन टेम्पल कहाँ पर है, उड़ीसा, याद होगा, ठीक है। रौनक ने कहा है जगन्नाथ टेम्पल, यस रौनक, वेरी गुड, जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ब्लैक तो आपको पता है सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है, व्हाइट क्या है, जगन्नाथ टेम्पल। एंड डायनेस्टी बता रहे हैं यहाँ पे, किसने बताई, आयुष ने, आयुष, वेरी गुड, गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको पता होने चाहिए, और देखो उड़ीसा में गोल्डन ट्रायंगल है, इसको भी सर्च करना, उसमें एक तो जगन्नाथ टेम्पल है, एक कोणार्क सन टेम्पल है, और थर्ड ये आपको सर्च करना होगा, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से लगाओ इसको, ये भी न्यूज में था अभी।
भुवनेश्वर, एकदम करेक्ट है आयुष, एकदम करेक्ट है। गोल्डन ट्रायंगल का जो थर्ड लिंक है वो है भुवनेश्वर। चलो, ज्योति सैनी, करंट अफेयर की क्लास, ये जो एमसीक्यू है ये हर ट्यूसडे को होता है रात में 8 बजे, ठीक है, सॉरी 7 बजे, ठीक है, 7 बजे होता है। बताओ इसका जल्दी से। सॉरी, तो अभी तक शुक्ला प्रामाणिक, वेरी गुड, इन्होंने बोला है ए, ठीक है, तो मैं आंसर का ही वेट कर रहा था, बाकी सबने बोला है सी। देखो सी नहीं होगा इसका, ए फॉर इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं इसलिए ए फॉर इलाहाबाद है, ठीक है। चलो तो देखो, जो फर्स्ट है वो तो सही है, सही, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है, एज ऑफ मेरिट को बढ़ाना है, ठीक है, 21 करना है, ये तो सही बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज उनका कोडिफाइड पर्सनल लॉ है, ऐसा नहीं है। देखो मुस्लिम में नहीं है, वो बेसिकली शरीयत कानून के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, शरीयत के हिसाब से, जिसमें क्या है कि 15 साल मिनिमम एज है या फिर प्यूबर्टी, ठीक है, तो वो उनका क्राइटेरिया होती है, ठीक है, तो मुस्लिम में नहीं है, ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा, वन ओनली, ए फॉर प्रयागराज, हमारे लिए तो इलाहाबाद ही रहेगा हमेशा से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 लगाओ इसको। यस शुक्ला, एकदम करेक्ट है आपका, एंड वेरी गुड। ज्योति, डेली हमारा न्यूज एनालिसिस होता है सुबह हिंदू का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्योति, मैं आप ही को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है मॉर्निंग में, वहाँ पे डेली जो न्यूज़पेपर है हिंदू उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो अगेन बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, एंड आयुष अगेन वेरी गुड, रौनक, अंजलि, सी फॉर कैलकटा इज द करेक्ट आंसर। देखो आप पेंगोलिन जानते हो, नहीं जानते, कैसी दिखती है पेंगोलिन? अच्छा यहाँ पे ये दब गया होगा, चलो ये पेंगोलिन होती है ना, इसको बोलते हैं पेंगोलिन। अब इस पे 3 स्टेटमेंट है, देखो जो सेकंड वाला, देखो मेनली फाउंड इन इंडिया इन एरिड रीजन, देखो यही तो बात है, एरिड में नहीं मिलती है, जो हिमालयाज है नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां पे मिलती है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, बचा क्या, 1 एंड 3 ओनली, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन अगेन एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है, इंडेंजर्ड है, ओके। चलो इसकी टोटल 8 प्रजाति आपको मिलेगी, उसमें से 2 इंडिया में मिलती हैं, 2 इंडिया में देखने को मिलती हैं। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मैं भी चेक कर लूंगा, आप भी चेक कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो
अरे कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, सर्च कर लेंगे ना, क्रिटिकली होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए, 20 वाला ना अक्सर न्यूज़ में रहता है। क्यों? क्योंकि कॉपर है, नाइट्रेट है, फिर हमारा फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, ठीक है, तो हमेशा न्यूज़ में रहता है। और मैं देख भी पा रहा हूँ कि कल्पना ने बोला है, जहानवी ने बोला है सी पेरू। ओके देखो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, इससे समझ जाओ, अगर आपको थोड़ा सा भी मैप पता होगा ना, तो केवल इस स्टेटमेंट से, केवल इस कीवर्ड से आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड की बात हो रही है, और ये कौन सा है? चिली, ठीक है, बिफोर बॉम्बे, ये होता है चिली। यहाँ पे आपको बेसिकली कॉपर मिलेगा, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर टाउन यहीं पे है, ठीक है, नाइट्रेट भी यहीं पे मिलेगा, ठीक है, एटाकामा डेजर्ट इसके पास में ही है, ठीक है, मतलब इसी में है, ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, इसको आप यहाँ से देख भी सकते हो। देखो ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा शायद, मैं इसे बता देता हूँ, ये चिली, ठीक है। चलो चिली मिर्ची जैसा लंबा शेप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस आयुष, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटी कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? भाई इसको भी गलत मत करना। अरे मुकेश कुमार भाई कोई इशू नहीं है, सर्च कर लो नेट पे, मिल जाएगा जो भी सही जवाब होगा ना, इतनी टेंशन नहीं लेनी लाइफ में। ज्योति सैनी, देखो ये गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो भाई जो सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट था 1956, ठीक है, उसके थ्रू ये हुआ था, यूनियन इट्स टेरिटरी, लक्ष्मीकांत का चैप्टर है, पढ़ा होगा ना, तो वहीं से है ये, तो भाई बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसी के साथ जो है हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और ये जो पीडीएफ है ये हम आपको दे देंगे, है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। और अब आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है कि किसका कितना स्कोर रहा है, फिर मैं पांच नाम जो है वो अनाउंस कर दूंगा। और देखो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिपीटेशन ना हो, ठीक है, सबको एक बार मौका मिल जाए। और जो गलत स्कोर मत बताना, 21 आउट ऑफ 21 किसके कितने सही हुए हैं, ठीक है। अच्छा जिन लोगों से मेरी बात होती रहती है उनके नाम नहीं लूंगा मैं, है ना। चलो गुड, काफी लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है ना। तो एक तो ना तस्वीर सिंह से बात करूंगा, एक बात करूंगा जी अंजलि से, एक बात हो जाएगी आदर्श कुमार से, और किससे बात करें, साफिया से बात कर लें, साफिया से, चलो साफिया से बात करेंगे।
और एक बात करेंगे नितिन से, ठीक है? तो भाई ये पांच लोग हैं सब, पॉलिटी ऑप्शनल। देखो पॉलिटी ऑप्शनल नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस होगा या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पहले तो ये चीज़ क्लियर करो, पॉलिटी ऑप्शनल नहीं होता है ना? तो इन लोगों से बात करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है आपको हमें मेल करना होगा, ठीक है? यूपीएससी मेन्स मेंटरशिप एट द रेट प्रेप डॉट इन, ठीक है? तो इस पे आपको ये जो पांच लोग हैं हमें मेल कर दो, फिर हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है? चलिए, तो नितिन बीडी, आपसे तो मेरी बात होती है ना? तो ये नितिन दूसरा वाला है, ठीक है? बीडी नहीं है, ओके? सो ये ठीक है, चलो ठीक है। तो अपना डिटेल्स मुझे बता देना, मेल कर दो, ये आईडी आपके पास होगी सही, फिर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? चलो, एंड अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, है ना? चलो, एंड नेक्स्ट टाइम मिनल से बात करूँगा, ठीक है मिनल? नेक्स्ट टाइम, चलो।